तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अमरीन मोहसिन ब्लॉग। हो चुकी है सुबह, सहरी का टाइम हो चुका है, गाइस सब जन उठ गए। हाँ हुसैन, अरहान, जारून, जारून के अब्बा। तो दादी नहीं आया अब तक? आ रहे क्या? तो आज है हुसैन और जारून की एग्जाम, तो भी दोनों को रखना है रोजा। हम बोल रहे हैं हुसैन को मत रख, है ना हुसैन? फिर भी हुसैन को रखने का है। क्यों रखने का रोजा? क्योंकि मैं पहले फर्स्ट बेंच पे रख रहा था। हाँ। तो अब मेरा रोल नंबर चेंज करे। हाँ। तो मैं दूसरे बेंच पे बैठ रहा। हाँ, अच्छा। सेकंड लास्ट बेंच पे। अच्छा, तो उसके बाद मैं बोलेगा। तो तो उससे रोजे का क्या है? थकेगा तू? मैं थकता। रखेगा ना? हाँ। आए बनी नियत बनना। ठीक है। हाँ ठीक। हाँ जाते टाइम टिफिन मत दे। टिफिन तो नहीं दूंगी मैं। तो देंगे तो खाएंगा भी तू। तू मत खाना फिर। हाँ तू मत खा। के साथ कोई नहीं है ना तेरे स्कूल में? आते कोई क्लास में रोजा रख के तो बहुत बच्चा रहेगा फिर। तो कैसा हेड डाउन करेगा? देखा कैसा करते हेड डाउन? हेड डाउन ऐसा करके बैठेगा बीच में। क्या हुसैन को नहीं देने का है? नको खाओ तेज चावल। रोट खाना मीठा? क्या खाने का फिर? नहीं बना रहा कोई? अम्मी ने बना रहे। हाँ तूने बोला अम्मी को? अच्छे अपने इसके लाड़ पूरे। चावल खत्म हो गए, क्या करने का? सारे खाएंगे तेज चावल। सब खाएंगे। मैं रात को सोचे चावल इतने बच्चे चावल बना। ज्यादा तेज ना बोल। मैं इतने खाने वाली। पहले हल्दी के। भाभी बना रहे बच्चों के फरमाइश पे तेज चावल। हल्दी के चावल। सब दिन खा रहे? हाँ। शॉप पे से आने के बाद तो मैंने खाया था लेट खाना, अभी मैं पी रही हूँ सिर्फ चाय। तो हुसैन को चाहिए थे तेज चावल, तो अम्मी ने बनाए उसके लिए तेज चावल। नहीं सुने अम्मी, अच्छे वाले। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो अभी सहरी हो चुकी है हमारी और नमाज भी हो चुकी है। तो आज हुसैन ने और जारून ने दोनों ने भी रोज़ा रखा है, हालांकि उनकी स्कूल है अभी, उनको हम नहीं रखा रहे थे रोज़ा, पर उनको रखना था। तो देखते हैं अभी क्या होता है। अमरीन सोने के लिए चली गई है, अभी हम भी जा रहे हैं सोने के लिए। थोड़ी देर में अभी ये लोग स्कूल में चले जाएंगे। चलो फिर चलते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो हो चुकी है जोहर की नमाज, है ना जारून? हाँ। हाँ तो आज बच्चे किधर जाने वाले? आज आलिया का बर्थडे है। मैं भी आ चुका हूँ। तो फुप्पू ने बुलाए। हाँ। इफ्तारी को, है ना? इफ्तारी की दावत है। हाँ तो बच्चों को इफ्तारी को बुलाया है फुप्पू ने, है ना? आलिया का बर्थडे भी है। हाँ। तो जाओ फिर। हाँ? अभी हम जाते शॉप पे चलेगा। क्या हो रहा हुसैन को? रोजा कैसे जा रहा? अच्छा। तकलीफ नहीं हो गई ना हुसैन? नहीं, एग्जाम अच्छा गया तेरा? हाँ मेरा भी अच्छा गया। अच्छा मेरा पेपर ही अच्छा। हाँ क्या फर्स्ट आ रहा है? क्योंकि तो चलो फिर चलते हैं, लिंगप्पा गया है शॉप खोलने के लिए, तो अभी जाते हैं। चलो तो आएंगे इफ्तार के टाइम पे। चलो क्या हुआ उसे? क्या हो रहा? कैसे? क्या? हाँ। तो बच्चे को दुख। क्या हो रहा?
दुख रहा? रोजा लग रहा क्या फिर? नहीं ना। फिर क्या हो रहा? कुछ नहीं। दुख रहा यहाँ पे पेट पे? हाँ। कैसे क्या? आराम करो। स्ट्रॉन्ग कॉफी दे रहा। रोजा है ना? स्ट्रॉन्ग कॉफी मांगता? रोजा बोला? हाँ कैसा क्या? स्ट्रॉन्ग कॉफी मांगता बोले? अरे तू स्ट्रॉन्ग कॉफी नहीं बुला क्या तू रोजा? कुछ खाया नहीं ना सुबह से? नहीं। हाँ? नहीं। तो हाँ मैंने बच्चों को सुला दिया है क्योंकि हुसैन को थोड़ी तकलीफ हो रही थी। तकलीफ मतलब थोड़ी सी गिरगिरी कर रहा था, इसके लिए मैंने दोनों को भी सुला दिया है। अभी जाते हैं शॉप पे। तो भाभी बना रहे रगड़ा हाँ तो कमेंट आई थी रगड़ा रेसिपी चाहिए तो क्या क्या डाला है भाभी इसमें? पीला वटाना और हरबारा है। हाँ? तो हरबारा एकदम थोड़ा लेना है एक मुट्ठी। हाँ? और पीला वटाना थोड़ा ज्यादा लेना है। अच्छा तो रगड़े के लिए वो। हाँ तो इसको रात में भिगोया था ना? अच्छा तो अब इसमें क्या डालेंगे? अभी तो अब इसमें डालेंगे आलू। दो आलू डाले भाभी ने इसमें। हाँ दो टमाटर मीडियम साइज के। दो टमाटर इसके बाद डालेंगे इसमें एक बड़ी प्याज। हाँ कट की हुई एक बड़ी प्याज डालेंगे। अब नमक अपने 10 और इसमें डाली है हल्दी। अब इसमें गई है धना पाउडर। हाँ थोड़ा सा मटन मसाला ना थोड़ा गरम मसाला। पानी ज्यादा डालने का लगना नहीं चाहिए थी। अच्छा तो एकदम मैश हो गया था पकाना है। अच्छा 7-8 सीटी ले। तो अब कितनी देर तक रखना है इसको? इसको आधा आधा घंटा। अच्छा अंदाजे अपने को कितना भी इसको बनाना। चना गलने टाइम लगता है ना वो हिसाब से। हाँ तो चलो। तो भाभी ने रखा है चना पकने के लिए चना और बटाना। तो अभी मैं जा रही हूँ शॉप पे। आने के बाद उसको देंगे तड़का। तड़का तो वो मैं बाद में शूट करती हूँ। चलो अभी जाती हूँ मैं शॉप पे। तो मैं आई हूँ शॉप से। अभी पढ़ते असर की नमाज। अम्मी भी आए थे साथ में तो चलो अभी पढ़ते असर की नमाज। और बच्चे सोए शायद अभी। हाँ बच्चे सोए अभी तक। जाने दो अच्छा होगा नींद पूरी हो गई बच्चों की। हाँ जारून हुसैन तू जाने वाला? चलो जल्दी उठो 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 जारून फिर लेट हो रहा। देख टाइम क्या होगा। तो भाभी ने रखा है तेल गरम के लिए। ये बॉईल हो चुका है उसके अंदर मैंने कोथमीर और पुदीना कट करके डाला है। हाँ थोड़ा सा ग्राइंड किया थोड़ा सा लाइट ग्राइंड। हाँ अभी तेल के अंदर 2 चम्मच बेसन का आटा। हाँ गैस बारी करके डालना है नहीं तो जल जाएगी। बेसन जल जाता है। ये 2 टीस्पून मिर्ची पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर। ये थोड़ा सा ऐसा भून लेना है इसको। हमारे घर में सबका फेवरेट है रगड़ा। और इसमें जिसको इमली लगी इमली का पानी। हाँ। या नींबू। हाँ। इसके खट्टे के लिए डाल सकते जिसको खट्टा कम। हाँ। इसलिए मैंने डाला है। हाँ। तो आपको डालना है तो चलो तो इधर है तरबूज का शरबत। ठीक है ना तुम लोग को? उठो अभी तक नींद नहीं गई। पिंक दीदी के पंख लाए उठो।
रगड़ा मोमानी ने भेजे। कैसा लग रहा? मस्त, एक नंबर। ऐसा भेजते रहो, मैं टेस्ट करके बताता रहूंगा कैसा बना। हाँ। चुकी है मगरिब की नमाज, अब पीते चाय। चाय के बाद जाएंगे दुकान पे। हाँ, दूसरा किधर जाते हैं अपन? शॉप पे भी जा सकते। अरे वाह, नया कुछ है ये। है ना? हाँ, अच्छा। तो ये है शम्मो खाला लेके आए पानी पूरी। शम्मो खाला मिक्स। देखो खाला के चेहरे पे आज कितना नूर है, आज जरा अच्छे दिख रहे। दो दिन तीन दिन से बीमार थे। कैसी है पानी पूरी? और दानिश कैसी है पानी पूरी? बढ़िया थी ना। तो बज गए 12:30। तो अभी तक चल रहे कस्टमर, अभी जाएंगे घर पे खाना खाने के लिए। तो चलो अभी चलते, बच्चे गए आगे, तो अभी जाएंगे हम। हाँ ना, बच्चे बैठ ले जाके। तो चलो, हो गई शॉप बंद। तो चलो अभी खाना खाते। इधर है अम्मी, इधर है भाभी। चलो फिर। तो वो आए अभी, तराबी पढ़ के अभी खा रहे खाना। क्या खाओ? खाओ। अरुण ने अभी क्या खाया? दही वड़े। हाँ, दही वड़े खाए। जारून को पसंद है ना दही वड़े? हाँ। तो अभी सोएंगे क्या? नहीं सोते अभी। नहीं, अभी टैक्स सही हो गया। नहीं, अभी थोड़ा सो ना, थोड़ी देर, एक दो घंटा। अभी 2 बज गए, अभी सो थोड़ी देर ना। मम्मा मैं तो सो रही, पापा मेरे को बहुत थकान हो गई। तो सो रही? हाँ। अगर तू सो गई तो मैं भी सो। अच्छा चले ना, अगर तू। हाँ, दोनों सोएंगे अभी थोड़ी देर, एक घंटा सोएंगे ना। तो चलो इसी के साथ ये ब्लॉग एंड करते। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बोलो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।